जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने डिस्कस करना है, हमारे पास आर्टिकल है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अगर आपको याद हो, इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, हमने मेटालिक कोटिंग को पढ़ा था। मेटालिक कोटिंग में मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल पे चढ़ा देने के प्रोसेस को मेटालिक कोटिंग कहते हैं। अब हमने देखा देयर आर टू मेथड्स। मेटालिक कोटिंग के दो मेथड थे। जो पहला मेथड था हमने जो पढ़ा था वो फिजिकल मेथड पढ़ा था। क्या पढ़ा था भला? फिजिकल मेथड। अब इस फिजिकल मेथड के अंदर जो हमने डिस्कस किया, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल मेथड्स की भी अंदर दो टाइप्स थी। एक को गैल्वेनाइजिंग हमने कहा था, एक को गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस कहा था, जबकि दूसरी को हमने टिन कोटिंग कहा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मेटालिक कोटिंग का जो दूसरा मेन मेथड था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या फिर इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। क्या कहेंगे भला? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब जो वर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये दो अल्फाज तो मुश्किल नहीं है। एक को हम इलेक्ट्रो कहते हैं जबकि दूसरे को हम प्लेटिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकला है। किससे निकला है भला? इलेक्ट्रिसिटी। और जो दूसरा प्लेटिंग है, लफ्ज प्लेटिंग का मतलब क्या होता है? एक मेटल पर दूसरी मेटल की तह चढ़ाना या दूसरी लेयर चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इसे उर्दू में हम मुलमाकारी भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, हमने एक मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट करनी है, और इसके लिए हम किस चीज को यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को। कहने का मतलब ये हुआ, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक आपके पास मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर क्या करेंगे, आप डिपॉजिट करोगे। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो डिपोजिशन ऑफ मैन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को इस्तेमाल करके हम एक मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट करने को हम क्या कहते हैं भला? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने देखा ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मकसद क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अमूमन दो मकासद हैं। जो सबसे मेन मकसद इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है वो है आपके पास प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कुरियन। सबसे मेन मकसद क्या है, हमने कुरियन से बचना है, हमने उस मेटल को जंग से बचाना है। और दूसरा जो है वो आपके पास अपीयरेंस का है। अपीयरेंस के जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो मेटल की जो अपीयरेंस है, जो मेटल की जो जाहिरी शक्ल है, वो जरा क्या हो जाती है बेटा? बेहतर हो जाती है। क्या हो जाएगी बेटा? बेहतर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करना है प्रिंसिपल को। अब ये देखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब एक मेटल पर दूसरी मेटल डिपॉजिट होती है तो वो किस प्रिंसिपल की बेस पे होती है। तो उमूमन आपको बता दूं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दो मेटल्स, कितनी मेटल भला? टू मेटल्स क्या होती हैं, यूज की जाती हैं। दो मेटल्स यूज की जाती हैं। एक मेटल वो जिस पर डिपॉजिट होने है, जिस पर एक मेटल डिपॉजिट होगी, और दूसरी जो डिपॉजिट होनी है। अब फॉर एग्जांपल दे दो, आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक आयरन है, आयरन की शीट है। ये क्या बोला? आयरन शीट। ये एक आयरन शीट है। अब इस आयरन शीट पर आपने क्या करना, ये वो शीट है, ये वो आपके पास मेटल है जिस पर दूसरी मेटल डिपॉजिट होगी। और दूसरी मेटल, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं आपके पास किसकी, क्रोमियम, सीआर। दूसरी मेटल ये सीआर क्रोमियम है जो इस पे डिपॉजिट होगी, यानी कि एक मेटल जिस पर डिपॉजिट होगी और दूसरी मेटल जो डिपॉजिट होगी। मेरे अल्फाज दोबारा सुने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली बिटवीन टू मेटल्स के दरमियान होता है, दो मेटल्स के दरमियान होगा, जिसमें एक मेटल पर डिपॉजिट होगा और दूसरी मेटल उस पहली मेटल पे डिपॉजिट होगी। ठीक है, इसके लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे भला? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम से जाहिर है, ये भी दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड लैटिक। लफ्ज इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होगा, जबकि लैटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, डाउन करना या डीकम्पोज कर देना।
ठीक है बेटा, डीकंपोज करना या फिर आयोनाइज कर देना या आयोनाइजेशन का प्रोसेस होना, इट इज कार्डलैटिक। मीन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, आपके पास एक ऐसा सेल है जिसमें क्या हुआ है, जिसमें किसी सब्सट्रेट को हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन करना है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकंपोज करना है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने क्या करना है, इसको भला आयोनाइज करना है। क्या करेंगे भला हम इसको, आयोनाइज। अब इसके लिए एक प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के लिए एक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक एनोड इस्तेमाल करते हैं। और याद रहे एनोड उस मेटल का होगा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड उस मेटल का होगा जिसको डिपोजिट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ये आयरन शीट थी और ये क्रोमियम है, क्रोमियम वो मेटल है जिसको डिपोजिट करना है, एनोड उस मेटल का होगा जिसको डिपोजिट करेंगे, जबकि कैथोड उस मेटल का बना होगा जिस पर डिपोजिट करेंगे। बात समझने के लिए, अब अमूमन क्या करते हैं, याद रहे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम उन मेटल्स की को डिपोजिट करेंगे जिन जो कुरियन रेजिस्टेंट होंगे, जिन पर कुरियन का क्या होगा, जो प्रोसेस होगा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर क्रोमियम की बात करूं, यहां पर सिल्वर की बात करूं, ये ऐसी मेटल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू बुक जो आपके पास कुरियन रेजिस्टेंट मेटल्स हैं। ठीक है बेटा, अब इन मेटल्स क्योंकि इनको डिपोजिट करना है, That's why these metals are composed, these metals are made as anode. ये metals as anode के तौर पर इस्तेमाल होंगी, और वो metals जिनको जिस पर deposit करना होगा, ये इन metals को इस metal पे deposit करना है, जिस metal पर deposit करेंगे वो metal क्या कहलाएगी, cathode कहलाएगी। क्या कहलाएगी, cathode। और तीसरी बात ये कि जो हमने इसके अंदर electrolyte लेना है वो उस मेटल का लेना है जिसको डिपॉजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिल्वर को डिपॉजिट करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले एनोड सिल्वर का ले लूंगा, एजी का सिल्वर का एनोड लूंगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड जो होगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का, उसी का साल्ट ले लूंगा। ठीक है, जिसको डिपॉजिट करना हो उसका हम क्या लेंगे, भला साल्ट ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे डियर स्टूडेंट, उसी मेटल का साल्ट लेंगे। मैं यहां पर सिल्वर को डिपॉजिट कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट एज ए सिल्वर का साल्ट लूंगा। ठीक है बेटा, जब इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो आपके पास ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन क्या होगी, मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रोनाइसिस के जरिए में जो सिल्वर एजी होगा ये डिपॉजिट हो जाएगा, और ये अपने ये आपके पास ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा। अब इस आयन पर, इस सिल्वर आयन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अपने ऑपोजिट पोल मीन के थोड़ की जाने मूव करेगा, और के थोड़ पर मूव करता हुआ और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एजी पॉजिटिव यहाँ जाकर खुद को रिड्यूस कर देगा, मीन इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एजी एटम मेटल की सूत्र में यहाँ पर ऐसे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करेंगे। टिन का भी ऐसे होगा, यहाँ पर जिंक का भी ऐसे होगा। इंशाल्लाह कल हम क्रोमियम का और साथ में रिफाइनिंग पढ़ेंगे आपके पास कॉपर की।